हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको वृंदावन में स्थित प्रियकांजु मंदिर के दर्शन कराएंगे, जो कि छठीकरा मथुरा वृंदावन मार्ग वैष्णो देवी मंदिर के पास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ प्रियकांजु भगवान विराजमान है, जो कि प्रियकांजु भगवान और राधा रानी प्रियजू के आपको सुंदर दर्शन होंगे, मनमोहक दर्शन कराएंगे आपको। आप लोग भी हमारे साथ प्रियकांजु मंदिर के दर्शन करिएगा। यहाँ भक्तों का अच्छा खासा भीड़ रहती है मंदिर में, आप देख रहे होंगे। आज भी यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है भक्तों की, और पूर्णिमा महोत्सव होता है हर महीने यहाँ पर, और शाम होते होते काफ़ी भीड़ हो जाती है, और शाम के टाइम यहाँ पर भक्त दीपदान भी करते हैं। ऐसा मानना है प्रियकांजु मंदिर में जो भी भक्त दीपदान करते हैं उनकी हर मनोकामना प्रियकांजु भगवान पूर्ण करते हैं। ऐसे महाराज जी हर महीने यहाँ पर सभी शिष्यों से, भक्तों से कहते हैं कि सब दीपदान करें, और सबकी यहाँ भगवान प्रियकांजु मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। किसी की जॉब हो या किसी को अन्य अन्य कुछ भी दिक्कतें हो, सब प्रियकांजु भगवान उनकी कठिनाइयों को दूर करते हैं। ऐसे हमारे प्रियकांजु है, चमत्कारी प्रियकांजु भगवान, ये बहुत चमत्कार कर रहे हैं वृंदावन में। मैं तो हर महीने वृंदावन जाकर पूर्णिमा पर दीपदान करती हूँ। हर महीने कीर्तन होता है यहाँ पर शाम को, उस कीर्तन में भी हम सब सम्मिलित होते हैं। जो गुरुजी रहते हैं तो गुरुजी भी कीर्तन में सम्मिलित होते हैं, और भजनों का सभी शिष्यों को और भक्तों को आनंद देते हैं। आज हमारे यहाँ प्रियकांजु में डिबेट चल रही है, बाहर से जो कि चैनल वाले आए हुए हैं, गुरुजी पे एक देश एक कानून पर बहस हुई। देखिए दोस्तों, आज गुरुजी ने भजन गाए, अब दूसरे जो बाहर से गायक आते हैं उनको भी अवसर दिया है भजनों के लिए। अब वे सब भजन हमको सुनाएंगे, और सभी भक्त भजनों पर झूम रहे हैं। आप लोग भी देखिए कैसे सब लोग आनंद ले रहे हैं। प्रियकांजु मंदिर में जो कोई भी आता है, यहाँ खाने से लेकर रहने तक की सब सुविधाएं मिल जाती है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ कमरा भी मिल जाता है, और खाने की भी रेस्टोरेंट टाइप जो कोई खाना चाहता है, भंडारा प्रियकांजु में रोज़ प्रतिदिन भंडारा भी चलता है भक्तों के लिए। जो बाहर से लोग आते हैं उनको खाने पीने की और रहने की व्यवस्था हो जाती है, जो बाहर से भी लोग आते हैं।
आप लोग अन्य अन्य घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती वृंदावन में आके कि भई हम जाएंगे रहेंगे कहाँ कहाँ खाएंगे, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। आप लोग आइए, आप भी प्रियकांजू भगवान के दर्शन करिए और कीर्ति और प्रियकांजू में भी आकर सम्मिलित हो सकते हैं आप लोग, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपको ये वृंदावन की बाज़ार मार्केट का दर्शन कराते हैं, जहाँ से वो करके हम बांके बिहारी और राधा वल्लभ मंदिर और छोटे छोटे जो प्रसिद्ध मंदिर से भी हटके होते हैं उन मंदिरों के भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बांके बिहारी के दर्शन कराए थे और राधा वल्लभ और राधा रमन जी के। उसके बाद हम एक मंदिर दिखा जो कि गलियों से होके जा रहे थे हम लोग, वहाँ पर कीर्तन चल रहा था और भक्त भक्ति में झूम रहे थे। आप लोग भी, आपको भी हम वहाँ ले चलते हैं, क्योंकि हमको तो बहुत अच्छा मंदिर लगा। आप लोग भी अच्छे से आनंद ले और जब भी वृंदावन आए, वृंदावन में आकर दो तीन मंदिर हम अच्छे से शाम के टाइम घूम सकते हैं। प्रसिद्ध मंदिर जो इस्कॉन पड़ता है, उनके ट्रस्ट के द्वारा बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर भी शरणार्थी हो रही थी, भक्त भजनों गाकर ढोलक पर भजनों का आनंद ले रहे थे। हम लोग भी जाकर आरती में सम्मिलित हुए, हमने भी मंदिर के अच्छे से दर्शन किए और यहाँ पर